सुप्रभात हिमाचल। तो आइए शुरू करते हैं सुबह की नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। मणिमहेश यात्रा पर रोक, आज से सिर्फ हेली टैक्सी में शिव भक्तों को जाने की परमिशन। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पर प्रशासन ने फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले कल बादल फटने व बारिश से हरसर मार्ग पर हुए नुकसान के बाद अब प्रशासन की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद ही यात्रा जा पाएंगे। हालांकि आज से आरंभ हो रही हेली टैक्सी सेवा के जरिए लोग यात्रा पर जा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभी तक यात्री अपने रिस्क पर ही यात्रा कर रहे हैं, चूंकि आधिकारिक तौर पर यात्रा 19 अगस्त से आरंभ हो रही है। तोजिंग नाला में बाढ़ आने से 1.5 घंटे फंसे रहे दुल्हा दुल्हन समेत 70 बराती। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के तोजिंग नाला में पिछले कल रात करीब 7 बजे दुल्हा दुल्हन समेत पूरी बारात फंस गई। तोजिंग नाला में करीब 5 बार पानी के साथ मलबा आया, इससे केलांग उदयपुर तिंदी सड़क यातायात के लिए बंद हो गई। वहीं ऐसे में पिछले कल शाम मंडी जिला के नगवाई से लाहौल के किशोरी गांव लौट रही बारात तोजिंग नाला में आई बाढ़ में फंस गई। बारात में दुल्हा दुल्हन के अलावा करीब 70 बराती शामिल थे। तोजिंग नाला के दलदल के चलते बारात एक किनारे में फंस गई। बारात फंसने की सूचना पुलिस, बीआरओ और होमगार्ड के जवानों को मिली। वे मौके पर पहुंचे और दुल्हा दुल्हन समेत सभी बारातियों को नाले के दूसरी तरफ से सुरक्षित किया गया। इस दौरान बीआरओ, पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने कई बारातियों को पीठ पर उठाकर नाले से पार पहुंचाया। लंपी रोग फैलने के बाद पशुओं की खरीद फरोख्त और परिवहन पर रोक अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में मवेशियों में बढ़ते लंपी त्वचा रोग के मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने पशुओं की खरीद फरोख्त और उनके परिवहन पर रोक लगा दी है। फिलहाल किसी भी मवेशी की इधर से उधर आवाजाही नहीं होगी, ताकि संक्रमित मवेशी से वायरस का खतरा स्वस्थ पशुओं तक न पहुंचे। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग से अब तक 79 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1351 बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। हिमाचल के बद्दी में प्रवासी महिला की हत्या, पति पंखे से लटका मिला। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली महिला का गला रेत कर हत्या कर दी। उसका पति पंखे में लटका हुआ पाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति फंदे में झूल गया है। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, इसके बाद खुलासा होगा। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है, हर पहलू से जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अनुसार यूपी के सुल्तानपुर जिले के कमलपुर पिकार गांव का रिंकू तिवारी अपनी पत्नी प्रिया के साथ बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेस 2 कमरा नंबर 376 में रहता था। राजीव सैजल बोले, एनएचएम में विलय नहीं होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में विलय नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी कांग्रेस विधायक संजय वस्ती की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। वहीं सैजल ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 693 पद हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के माध्यम से भरे गए हैं। वहीं इनका कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा होने वाला है। हिमाचल में 349 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामले 3602। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 349 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 3602 हो गई है। वहीं 69 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पिछले कल प्रदेश में 4703 लोगों के सैंपल लिए गए।
हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा के दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण के बाद रिक्त सीटों की सूची हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। वहीं तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव आरके शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से 19 जून को आयोजित की गई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट 2022 के दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। शिमला में व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने बारिश के बीच 5 घंटे किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक कोर्स के प्रशिक्षकों ने पिछले कल शिमला के चौड़ा मैदान में मांगों के समर्थन में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इनमें महिला प्रशिक्षकों की संख्या अधिक रही, छोटे बच्चों के साथ महिला प्रशिक्षक धरने पर बैठी रहीं। वहीं हल्की बारिश के बीच जुटे सैकड़ों प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में ठेका प्रथा बंद करने और नीति के तहत 30,500 रुपये मासिक वेतन और सालाना इसमें 5% की वृद्धि करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत ठाकुर, राज्य मीडिया प्रभारी लीलाधर सुचिता की अगुवाई में जुटे सैकड़ों प्रशिक्षकों ने करीब 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। कल विधानसभा सत्र के बाद होगी हिमाचल कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कल प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और संशोधित वेतनमान का एरियर देने का फैसला लेने के लिए दोबारा कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। वहीं सत्र के बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बदल सकता है NHM पॉलिसी ड्राफ्ट 2 के बजाय 5 या 8 साल का होगा अनुबंध काल। NHM कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए तैयार किए गए पॉलिसी ड्राफ्ट में अब बदलाव किया जा सकता है। अब अनुबंध काल को 2 साल के बजाय 5 या 8 किया जा सकता है। NHM कर्मचारियों के पॉलिसी ड्राफ्ट पर पिछले कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल के साथ चर्चा हुई है। पॉलिसी ड्राफ्ट में जहां पहले 2 साल के अनुबंध काल के बाद कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने पर फैसला हुआ था, तो वहीं अब इसमें बदलाव हो सकता है। OPS पर केंद्र से की है बात, CM बोले पुरानी पेंशन बहाल करना आसान नहीं। हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना को लेकर मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। इसके लिए ही अधिकारियों की कमेटी बनाकर सहानुभूतिपूर्वक कोई रास्ता निकालने के भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए सदन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितनी सरलता से OPS बहाली की बात कर रहे हैं, यह मामला उतना सरल नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत तौर पर बात की है, लेकिन ये राज्य भी OPS को अभी तक बहाल नहीं कर पाए हैं। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।